हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज देखिए, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज है थर्सडे और मैंने बृहस्पतिवार का व्रत किया है। तो मैं आज दिखाऊंगी किस तरह मैं अपना पूजा करती हूँ घर का। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, आज बृहस्पतिवार है तो मेरे घर में ऐसे ही मंदिर है तो पूजा तो होता ही है। और आज विष्णु भगवान का मैं पहले करती थी तो बीच में मेरे बड़ी मम्मी सास जो है वो गुजर गई थी तो उनके तो इसीलिए मैं बीच में रोक दी थी, फिर मैंने इसको उठा लिया है। तो ये देखिए, मैं आज सुबह 5 बजे उठी थी, सारा काम कर ली, बर्तन पोछा वगैरह लगा के, ये देखिए मंदिर उंदिर पोछ पाछ के, बर्तन वर्तन धो के सब भगवान को भोग लगा दिए। और घर में भी कलश बैठा के, क्योंकि आज थर्सडे है तो हमारे घर में कलश बैठता है तो मैंने बैठा दिया है। अब मैं विष्णु भगवान का पूजा करूँगी। उससे पहले देखिए, मैं सब जगह गंगा जल छीट दूँगी क्योंकि आज मैं पूजा करने जा रही हूँ तो मैं घर को पवित्र कर दे रही हूँ गंगा जल से। और सब ये देखिए, यहाँ पे मैं ये पटरा पे मैं विष्णु भगवान के फ़ोटो को लगाऊंगी और जो पहले का जितना भी वस्त्र वगैरह है उनको सब मैं डाल दूंगी बाल्टी में, वो तालाब में भसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखिए तुलसी जी को जल चढ़ाऊंगी क्योंकि सुबह का ये पूजा तुलसी बिना अधूरा रहता है। तो मैं तुलसी जी को जल चढ़ाऊंगी, फिर सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाऊंगी, फिर केले या जड़ में जल चढ़ाऊंगी, सब जगह जल दे दूंगी। हमारे मंदिर में भी भोले बाबा हैं, उधर भी जल चढ़ाऊंगी। तो ऐसे कर करके सारे भगवान को जल चढ़ा दूंगी। उसके बाद मैं विष्णु भगवान की तस्वीर को गंगा जल पहले अच्छे से पोंछ लूँगी क्योंकि बहुत दिन से नहीं पोंछाया है। फिर उसे मैं उन्हें रख कर अच्छे से गंगा स्नान करा कर फिर पोंछूँगी। और पोछने के बाद फिर जो टीका वगैरह है, वस्त्र वगैरह, वो उन्हें धारण करवाऊंगी। तो ये देखिए, मैं आप मेरा वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ से कपड़ा फाड़ ले रही हूँ और अब ये फ़ोटो को विष्णु भगवान की जो तस्वीर है उसे अच्छे से पोछ लूँगी क्योंकि बहुत दिन पहले से टीका वगैरह लगा हुआ था। ये देखिए, मैंने अच्छे से पोछ के वहाँ रख दूँगी। फिर उन्हें जनेऊ वस्त्र सब दूँगी, फूल से अच्छे से सजा दूँगी, फूल माला पहनाऊँगी। और फिर जो मेरे पर भोग वगैरह लगाना लगा कर मैं किताब वगैरह पढ़ूंगी। ये देखिए, ये किताब है, इसमें कथा और व्रत की विधि बोल लिखी रहती है, वो हमें पढ़ना पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि जब बृहस्पतिवार का बुक पढ़ते हैं तब उसके बीच में कोई भी अगर आवाज़ दे तो आपको उठना नहीं है, अपने किताब में ही ध्यान रखना है। तो ये पूजा में यही है कि कोई टोके ना और बीच में ये ना। ये देखिए, मैं जनेऊ को अच्छे से ये करके मैं उन्हें पहना दे रही हूँ। ये यहाँ पे मोटा हो गया था तो मैं वही बोल रही थी कि ये मोटा हो गया, लग नहीं रहा, तो मैंने फिर उसे ऐसे ही अटका दिया क्योंकि मोटा हो जाने से वो थोड़ा छोटा था तो इसीलिए। ये देखिए, फूल माला से मैंने सजा दिया अच्छे से। और अब मैं घट बैठाऊँगी क्योंकि कोई पूजा के लिए घट बैठता है, कथा कहूँगी घट बैठाऊँगी। घट यानी कलश, हमारे बंगाल में बंगाली में कलश को घट कहा जाता है। ये देखिए, ये कलश मैंने बैठा दिया, उस पर आपको भगवान को भोग लगाना, चना दाल, किशमिश, मिश्री और हल्दी। हल्दी तो ज़रूरी है क्योंकि पीला रहता है। फिर मैंने मिठाई लाया था, केला, ये सब चढ़ा के विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है। और हल्दी ज़रूर दीजिएगा हर चीज़ में क्योंकि पीला रहता है। और फिर विष्णु भगवान को हल्दी से टीका कीजिए या फिर चंदन जो होता है पीला चंदन उससे टीका कीजिए। और जितने भी भगवान हैं उनको चंदन से टीका, चंदन रोड़ी से टीका कीजिए। और जो माता हैं उन्हें सिंदूर लगा दें बस। तो ये देखिए, मेरा सब तैयारी हो गया। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही व्रत किए हैं तो अब मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के कथा कर लेंगे। मैं कथा कहूँगी तो कथा के उपरांत मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई तो उसके लिए सॉरी, तो मैं वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी आपको। तो ये देखिए, मेरा कथा वगैरह हो गया। अब मैं ये देखिए, पूजा मेरा समाप्त हो चुका है। और ये देखिए, अब मैं धूना वगैरह घर में सब जगह दिखा दूँगी। आज बहुत दिन बाद मैंने ये बृहस्पतिवार का पूजा का ये है तो धूना वगैरह दिखा दूँगी।
इतने में देखिए तब तक मेरा बेटा उठ के वहाँ बैठा रहता है, तो वो उसको मैं देर से उठाई क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो मुझे फिर डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए वो लेट से उठा। ये देखिए मैं धुना वगैरह दिखा दे रही हूँ सब जगह, क्योंकि सब जगह अब ये हो गया। फिर मैंने दोपहर को हमें, मैं और मेरे हस्बैंड तो नहीं खाए, तो अपने ससुर जी और बेटे के लिए दाल भात आलू करेला आलू का भुजिया बना दी मैं, वो लोग खा गए। अभी शाम का समय हो गया, करीबन 5 बज रहा है, तो ये हम अब हम लोग शाम को खाएंगे क्या, तो उसके लिए मैं ये देखिए आटा सानी थी, तो देखिए आज गलती हो गया, वो आटा की जगह मैदा लाए, तो मैदा का रोटी तो हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि पूजा में मैदा का रोटी नहीं खाया जाता। तो फिर से मैंने ये मैदा सान लिया था, तो क्या कि इतने जितने मैदा है उसमें मैं अपने बेटा और ससुर के लिए बना दी 4-5-8 रोटियां मैदा का बना दी, और बाकी फिर से मुझे दोबारा से रोटी बनाना पड़ा, तो आटा लाना पड़ा दुकान से, आटा ला के फिर मैं रोटी बनाई अपने लिए, पहले उन लोगों के लिए बना दी। और इसमें आटा में हल्दी ज़रूर मिक्स किया जाता है क्योंकि ये विष्णु भगवान का पहिए में हल्दी ज़रूर लगता है, और हल्दी से टीका भी किया कीजिए अच्छा रहता है बृहस्पतिवार के दिन। तो ये देखिए मैं रोटियां बना ले रही हूँ, फिर दोबारा मैं जो बनाऊँगी उनका उसका मैं सूट नहीं कर पाई, तो मैं एक ही बार का ही सूट कर पाई। बस रोटी जब बन जाएगा तो मुझे पूजा भी करना है, क्या शाम का टाइम है, तो आरती भी दिखाना, पूजा संध्या दिखाना है घर द्वार में, और आरती भी करना है विष्णु भगवान का। तो ये मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के जितने भी जूठे बर्तन है सबको अच्छे से मांज लूँगी, क्योंकि पूजा करते समय कोई भी जूठा बर्तन घर में ना रहे और साफ़ सुथरा घर रहे, तभी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं उसको पहले ही झाड़ू, आज बृहस्पतिवार था तो मैं घर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँगी, फिर तो मुझे दोबारा बनाना है। तो ये मेरे बेटा और मेरे ससुर का 8, मेरा बेटा तो 2 ही रोटी खाता है, और बाकी जो बचेगा तो ससुर को जितना लगेगा वो खा लेंगे, और ये तो मैदा का रोटी है तो हम लोग नहीं खा पाएंगे। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ, रोटी बनाने के लिए मुझे अलग से बर्तन निकालना, मैं डेली वाले बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ पूजा पाठ के दौरान, तो ये दूसरे बर्तन है। तो यहाँ पे मेरा रोटी खत्म, ये देखिए मैं संध्या बाती जला दे रही हूँ, यहाँ दीपक वगैरह जला दी हूँ, ये धूप काठी वगैरह दिखा दूँगी ऊपर नीचे। नीचे हमारा देवता का स्थान है, ऊपर सारे भगवान रहते, ये घर का है, और मंदिर का मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ अंधकार, मतलब मंदिर में लाइट जल रहा था ऐसे थोड़ा रोशनी नहीं था, अंधकार हो गया था, इसीलिए मैं मंदिर का शूट नहीं करवाई। और देखिए मेरे जितने भी रूम है उस सब में मैं दिया बत्ती धूपकाठी धूना वगैरह दिखा देती हूँ, और बस ये मेरा पूजा समाप्त हो गया। अब मैं शंख उख बजा कर मैं अपना पूजा का ये करूँगी, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे रात के 8 बजे 8:30 बजे, तो हम लोग वो रोटी बनाए हैं उसे दूध में हल्दी दे के, और रोटी में भी हल्दी दिया हुआ है, तो बस वो दूध रोटी और गुड़ दे के हम लोग सान के खा लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही टाइम खाया जाता है और अनाज एक ही टाइम खाया जाता है अनाज, तो इसीलिए एक ही बार बनाती हूँ और एक बार खाती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।